अगर मैं माइक ओपन करता हूँ तो इसका मुझे स्पीकर म्यूट करना पड़ेगा, इसका स्पीकर म्यूट करूंगा ना तो फिर होगा। ये रहा, ये इसका स्पीकर है ना, यहाँ से इसको मैंने म्यूट कर दिया, तो वहां पे क्या होगा, सिर्फ स्क्रीन जा रही होगी। अच्छा जी, तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3। अच्छा भाई, ये क्या है, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, हाथ खड़े करने शुरू कर दिए इसने। अच्छा, ये सब जो स्क्रीन पे आ रहा है ये रिकॉर्ड होता है क्या? ये जो कंट्रोल्स हैं ये रिकॉर्ड नहीं होते? चलो फिर तो सही है। अच्छा जी, तो इंटरेक्शन मॉडल के बारे में कुछ बात हो रही है 2.1.1। हम चैप्टर नंबर 2 को एक दिन दे चुके हैं कल का, लास्ट क्लास का, अब ये हमारा आखिरी दिन है। आज हर हाल में हमें ये चैप्टर नंबर 2 को खत्म करना है, हमारे पास एक घंटा बाकी है पूरा। यू आर नाउ हैव अ स्किल, इट्स नॉट कंप्लीट स्किल, सही है? इसने क्या स्टेटमेंट दिया, यहाँ पे नहीं आ रहा यार, बटन दबाओ ना उसका, ऑफ है। माहौल बन गया। अच्छा, तो ये कह रहा है भाई, इट्स नॉट अ कंप्लीट स्किल बट इफ यू वर, ये तो रहा, बट इफ यू वर लीव टू द डेवलपर कंसोल एंड रिटर्न लेटर यू वुड सी द स्किल लिस्टेड अकॉर्डिंगली। यू हैव अ डैशबोर्ड वेयर यू कैन कॉन्फिगर all of the details supporting the skill, the foremost being the interaction model. अच्छा, अब ये स्किल का ना एक डायग्राम सा बना के इन्होंने दिखाया है, वो डायग्राम आप नोट कीजिए क्या है, ये आपकी ओवरऑल पूरी स्किल है, ये पूरी ओवरऑल स्किल है आपकी। अच्छा, स्किल के अंदर इन्वोकेशन नेम है उसका एक अदद, उसके अंदर क्या है, एक अदद इन्वोकेशन नेम है उसका। अच्छा, उसके बाद उस स्किल के अंदर चार इंटेंट है, ठीक है? अच्छा, हर इंटेंट के अंदर कुछ ना कुछ स्लॉट मौजूद होंगे। हमने जो अभी बनाया इंटेंट वो सबसे आखिरी वाला इंटेंट है, उसमें कोई स्लॉट नहीं है। तो ये आपके पूरे ढांचा है एक एप्लीकेशन का, जो भी आपकी स्किल एक बनेगी एलेक्सा की एप्लीकेशन, वो कुछ इस तरह की होगी, ठीक है? और इंटेंट बढ़ते चले जाएंगे, हर इंटेंट के अंदर कई स्लॉट हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 स्लॉट हो सकते हैं। अच्छा जी, इन्वोकेशन नेम के बारे में कुछ बात हो जाए। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटरेक्शन मॉडल दैट अ यूजर इंटरेक्ट विद एंड ओनली पार्ट वर यूजर मस्ट बी ट्रेन्ड एग्जैक्टली व्हाट टू से द इन्वोकेशन नेम। कह रहे हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको समझना पड़ेगा अच्छी तरह के, यूजर इसको कैसे कहे, क्या कहे। फॉर अ स्किल कॉल्ड माई स्किल, दिस इज वेयर अ यूजर से अलेक्सा आस्क माई स्किल टू, और आगे जो भी बात करे, ठीक है, आस्क। अच्छा, लास्ट टाइम मैं कह रहा था टॉक टू, तो उसने मुझे एरर दिया था। टॉक टू का मतलब वो समझता है शायद कॉल करना चाह रहा है। अच्छा, आस्क कह सकता हूं मैं या ओपन कह सकता हूं, ठीक है, ओपन माई स्किल टू। अच्छा, या टेल माई स्किल टू भी कह सकता हूं। मिसाल के तौर पे जैसे अभी नाम पूछने वाली स्किल बनाई थी उन्होंने, तो मैं ये कह सकता हूं कि अलेक्सा टेल माई स्किल टू टेल माई क्वालिफिकेशन, ठीक है, इस तरह करके। तो आस्क कह सकता हूं या टेल कह सकता हूं या ओपन भी कह सकता हूं। The invocation name can be considered analogous to the domain name. कह रहे हैं कि आपका जो स्लोगन है ना, मिसाल के तौर पर जैसे मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड का डोमेन क्या है, mcdonald.com, तो वही इसका भी नाम होना चाहिए। With user including the invocation name in request, much as they would type a domain name into the browser URL. अच्छा, note, the comparison between invocation name and domain name isn't perfect because Alexa allow multiple skills to have the same invocation name, giving preference to the skill a user has enabled. कह रहे हैं कि domain name से आप इसको exactly compare नहीं कर सकते, क्यों? कि Alexa बाज़ औक़ात
एक ही नाम के साथ मुख्तलिफ स्किल को भी अलाउ कर देता है, ठीक है। वो कैसे अलाउ करता है वो हम बाद में देखेंगे कि मुख्तलिफ रीजन के हिसाब से अगर कोई ऐसी ऐप है जो खास रीजन में चलती है तो वहां पे वो उस नेम से चलेगी, दूसरे रीजन में उसी नाम से आप दूसरी ऐप भी पब्लिश कर सकते हैं। अच्छा, अब अगला क्या कह रही है कि गूगल असिस्टेंट फॉलो द डोमेन नेम एनालॉजी मोर क्लोजली टू रिक्वायरिंग द यूनिक इन्वोकेशन नेम। कह रहे गूगल असिस्टेंट में जो ये वाला यूनिक नेम होता है वो क्या होता है, वो आपको अलाउ नहीं करता कि अगर किसी ने उसको रिजर्व कर लिया तो फिर आप नहीं बना सकते। अलेक्सा के अंदर ऐसा ना कि थोड़े से के लिए कुछ और बंदा बना रहा है, थोड़े से के लिए कुछ और, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें डोमेन नेम वाला चक्कर है कि भाई अगर google.com के नाम का डोमेन किसी ने ले लिया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो गूगल असिस्टेंट में ये वाला सीन है। तो इसने एक छोटा सा नोट बता दिया कि भाई दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, ये पैराग्राफ हम पूरा पढ़ेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट इसमें बातें कर रहे हैं, ठीक है। बाकी पैराग्राफ तो थोड़ा बहुत पढ़ के आगे कर लेते हैं। बियॉन्ड द ऑफिशियल रूल इन्वोकेशन नेम आर टू बी टू और मोर वर्ड्स इन द सेम लैंग्वेज एज द स्किल। कह रहे हैं कि एक तो ऑफिशियल रूल्स हैं, उसको भी हम थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, जनरल रूल देख लेते हैं कि होना क्या चाहिए। कह रहे हैं एक से ज्यादा वर्ड होना चाहिए, कम से कम दो, और सेम लैंग्वेज में होना चाहिए, जिस लैंग्वेज में वो स्किल लिखी गई है उसी लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर फ्रेंच है तो फ्रेंच में हो, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में हो। अ गुड इन्वोकेशन नेम इज शॉर्ट, easy to pronounce and memorable. तीन qualities अगर आपके invocation name में है तो बकौल इस writer के आपका वो name अच्छा name है। क्या हो? easy हो, short हो, easy to pronounce हो, मतलब बोलना उसको बहुत ज्यादा कोई मुश्किल किस्म का word नहीं हो, बोला ही ना जाए बंदे से। तो easy हो, pronounce और memorable हो, बंदा उसको याद रख सके। जैसे Google, Google एक memorize करना बहुत easy है उसको, या marketing करके उन्होंने उसको लोगों के जहनों में इतना घुसा दिया क्या इजी हो गया। अच्छा, तो ऐसा वर्ड होना चाहिए कोई एकदम आसान, उसको ऐसा ना हो कि याद रखना पड़े, समझ में ही ना आए बंदे को कि भूल जाए बार बार। अच्छा, शॉर्ट एंड इजी टू प्रोनाउंस आर रिलेटेड इफ यू दैट यू वांट देयर टू बी एज लिटिल फिक्शन एज पॉसिबल व्हेन लॉन्चिंग योर स्किल। इफ यूजर हैव टू से अलेक्सा आस्क पीटर पाइपर पिक्ड a pack of pickle paper to tell me how many pickle papers were picked. अच्छा, तो इसने क्या नाम रखा है, पीटर पीपर पिक्ड अ पेपर ऑफ पीपल पेकर। ये एक टंग ट्विस्टर है, इसने ये पूरा नाम की जगह पे डाल दिया, इन्वोकेशन नेम की जगह पे डाल दिया। तो अब ये कह रहा है कि भाई अगर आपने ये कर दिया तो होगा क्या, होगा ये कि दे मे डू इट वंस फॉर द नोवेल्टी but they won't do it twice. कह रहे कि आपके मोहब्बत में शायद एक दफा तो करते हो या आपकी मार्केटिंग देख के एक दफा कर दे, दूसरी बार उसकी हिम्मत नहीं होगी ये करने की। When talking about length, think as much as about syllables as you do the number of words. Airplay and yes, yes sir, sir को शायर भी लिखते हैं। Two of the first breakout Alexa games are each just two syllables in length. कह रहे हैं कि आप जब मैं बात कर रहा हूँ ना शॉर्ट की, लेंथ की जब बात कर रहा हूँ तो आपका नाम शॉर्ट कैसे आप उसका अंदाजा लगाएंगे कि शॉर्ट है या लॉन्ग है, वो अंदाजा आप वर्ड से नहीं लगाएंगे, वो अंदाजा आप लगाएंगे नंबर ऑफ सिलेबल्स से, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक वर्ड है इंजमाम्स स्किल, ठीक है। मैंने कहा अलेक्सा ask inzamam skill to do something. अच्छा, इसमें भी दो वर्ड है। फिर एक और स्किल है, ask malik skill to do something. अब ये malik skill, इसमें भी दो वर्ड है। अब दोनों में से लॉन्ग कौन सा है, इंजमाम वाला लॉन्ग। ये कैसे पता चला, अब ये सेलेबल तो इसने टर्म बता दी लेकिन आम इंटेलिजेंस, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंट होते हैं, आप अपनी इंटेलिजेंस से फौरन आपने बता दिया कि एक ये वाला बड़ा है, सही है। अच्छा, अब वो टेक्निकल आपके जहन ने उसको कैसे सोचा, उसको उसको ब्रेक डाउन किया गया, सेलेबल्स के नाम से एक टर्मिनोलॉजी रखी गई। सेलेबल क्या होता है कि दो वॉवल हो और उसके दोनों साइड पे कॉन्सनेंट्स हो, वॉवल ए ई आई ओ यू और उसके दोनों साइड पे कॉन्सनेंट्स हो तो ये एक सेलेबल बन गया, ठीक है। अच्छा, फिर दोबारा कहीं पे भी वॉवल आया और फिर कॉन्सोनेंट आ गया तो ये दूसरा सेलेबल हो गया।
अच्छा मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे नोट्स की ऐप खोल लूँ, क्योंकि ऐसे शायद ये समझ में ना आए लिखे बगैर, यार इसको क्या हो जाता है, क्या कर दिया मैंने इसके साथ इसके अंदर एक दो यहाँ पे खुलते थे, अब पता नहीं एक कैसे हो गई, पता नहीं अपडेट किया इन्होंने क्या किया। अच्छा फोल्डर यहाँ दिखा रहा है ये कि एम्प्टी एम्प्टी फोल्डर के अंदर है, नोट्स के फोल्डर में, बट मैं फोल्डर में कैसे जाऊँ, ऑप्शन नहीं है कोई, न्यू फोल्डर अच्छा आप खुला है, कैसे खुला फोल्डर भाई, ऐसे ही बिला वजह खुला है। अच्छा तो ये मैंने एम्प्टी वाला करके रखा हुआ ताकि मेरे पर्सनल नोट्स सामने ना आए। अच्छा मैंने कहा यहाँ पे एक नया नोट बनाओ, और नए नोट में मैंने लिखा इंजमाम, ठीक है जी, अब इसके अंदर ना हम सेलेबल गिनना शुरू करते हैं। सबसे पहला कौन सा है, आई, ये वॉवेल है। अच्छा अब ये वॉवेल है, इसके एक तरफ या दोनों तरफ अगर कॉन्सोनेंट आ गए तो ये एक सेलेबल काउंट हो जाएगा। तो एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये एक सेलेबल हो गया। अच्छा एक सेलेबल हो गया, फिर उसके बाद आया ए, ये भी वॉवेल है। अच्छा इसके इधर भी कॉन्सोनेंट है और इधर भी कॉन्सोनेंट है, तो ये इतना क्या हो गया, एक सेलेबल हो गया, जम, एक था इन, दूसरा है जम। अच्छा फिर अब आगे चलते हैं, ये तो एक वॉवेल हो गया, अगला वॉवेल कहाँ है, ए है, ये रहा। इसके इधर भी कॉन्सोनेंट है, इधर भी कॉन्सोनेंट है, तो ये पक्का पक्का एक और सेलेबल हो गया, तो ये है इन जम माम, तीन सेलेबल, सही है। अच्छा इसी तरीके से मलिक में देखते हैं, इसमें तीन सेलेबल थे, इसके अंदर एम ए एल, ये एक सेलेबल हो गया, बीच में वॉवेल आ रहा है, किसी एक तरफ भी कॉन्सोनेंट आ जाए तो सेलेबल काउंट होगा वो। अच्छा फिर दूसरा है एल आई के, मलिक, मलिक, ये दो सेलेबल है, अगर आप बोल के भी इसको समझना चाहें तो उससे भी आपको समझ आएगा। अच्छा इसी तरह गूगल में कितने सेलेबल हैं, अच्छा नंबर, पहला नंबर वॉवेल है ये रहा, दूसरा वॉवेल है ये रहा, अच्छा तो नहीं दो ही है इसके अंदर। देखो अगर एक ये वॉवेल है ना, उसके अगर एक तरफ कॉन्सोनेंट है और दूसरे तरफ भी कॉन्सोनेंट है तो तब वो एक सेलेबल होगा, लेकिन अगर उसके एक तरफ या तो खाली है तो चलो फिर उसको हम काउंट कर लेते हैं, लेकिन अगर एक तरफ उसके वॉवेल है तो वो वॉवेल भी उसी सेलेबल का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये दोनों ना एक वॉवेल काउंट होंगे, तो ये क्या हुआ, ये एक सेलेबल इतना बड़ा हुआ इसका, गू, उसके बाद अगला वॉवेल क्या है इसका, एल ई, अगला सेलेबल गू गल, ठीक है। दो बार में आपके जुबान में, असल में सेलेबल क्या चीज है कि जुबान आपकी कितनी दफा मूव करती है, तो गूगल बोलने में आपकी जुबान दो दफा मूव करती है, गू गल। अच्छा और कोई वर्ड सोचते हैं हम, ताकि सेलेबल अच्छी तरह समझ आ जाए क्या होता है, बाद में कभी प्रॉब्लम हो सेलेबल को लेकर। सैलानी में कितने सेलेबल है बताओ, एक, दो, तीन, सैलानी बोल के भी समझ आ रहा है ये, टेक्निकल लेकिन तरीका ये है, अगर प्रोग्रामेटिकली गेट करना हो, प्रोग्रामेटिकली आप चेक करना चाह रहे हैं तो ये तरीका है। अच्छा और कोई वर्ड इसमें कितने है बताओ, डोनेशन, तीन है। डोनेशन तीन लग रहे हैं बोलने में, तो गिन के देखते हैं, एक सेलेबल ओ आ गया बीच में, इधर एन है इधर डी है। अच्छा उसके बाद एन ए टी, बीच में ए है वॉवेल, ये दो हो गया, सही है। उसके बाद अगला है आई, लेकिन आई के साथ ओ भी है, तो अब ये सेलेबल ये आई ओ दोनों काउंट होगा,
तो अब ये इतना बड़ा सेलेबल है लास्ट वाला जो है ना, क्योंकि टी और आई दोनों वॉवेल हैं, तो इसको एक ही सेलेबल काउंट करेंगे, डोनेशन। अच्छा ये वाली बात इसने बुक में भी बताई है, आगे थोड़ा सा आगे, फॉर मेमोरेबिलिटी यू शुड बैलेंस द जेनेटिक एंड इको इसोट्रिक, पता नहीं क्या मुश्किल वर्ड यूज कर लेता कभी कभी ये, अनलेस यू ऑलरेडी हैव अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिहाइंड यू। कह रहे हैं कि भाई लेमैन में बता रहा हूं, कह रहे हैं कि भाई मेमोराइजेबिलिटी जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि आपने कोई नाम रख दिया लोगों को वो याद ही नहीं रहता, क्या करें लोग। तो कह रहे हैं कि आप बेवकूफी वाला कोई नाम ना रखें अंटिल और अनलेस कि आपकी कोई बहुत बड़ी ब्रांडिंग हो पीछे। जैसे सनस्लिक है, सनस्लिक वैसे तो बेवकूफी का नाम है, आमतौर पर किसी को आप बता दें तो याद नहीं रहेगा उसको, लेकिन सनस्लिक ने इश्तिहार इतने लगा दिए आप भूल ही नहीं सकते। जैसे डेल है, डेल इटसेल्फ नॉट अ वर्ड, डेल का कोई मीनिंग नहीं है वर्ड का, ये डी ई एल एल अलग अलग है। IBM, IBM is not a word. International Business Machines का abbreviation है. PIA is not a word. लेकिन उतना marketing इतनी कर दी है, लोग भूल नहीं सकते। तो कह रहा है कि जब तक इस तरह की कोई strong branding नहीं हो ना आपके पीछे, तो आप इस तरह का कोई नाम please ना रखें। आप ऐसा नाम रखें जो generic ना हो। अच्छा, if you go too generic, your skill may end up as a command. कह रहा है कि भाई अगर आपने बिल्कुल ही आसान नाम रखा ना, तो आपकी स्किल कमोडिटी बन जाएगी, विद नथिंग टू सेट इट अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ द अदर स्किल्स दैट डू सिमिलर थिंग्स। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई ऐसा नाम रख दिया, आस्क व्हाट द वेदर, ये वेदर ऐप, तो वेदर ऐप बिल्कुल ही जेनरिक नाम है, तो रख सकते हैं आप बिल्कुल, लेकिन कह रहे हैं कि फिर कमोडिटी की तरह बन जाएगा आपकी ऐप, और दूसरी ऐप से डिफरेंशिएट करने में शायद आपको बहुत मुश्किलात का सामना हो, क्योंकि कल को आप अगर मार्केटिंग करेंगे तो आप किस नाम से मार्केटिंग करेंगे, आप कहेंगे वेदर ऐप, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि बिल्कुल जेनेरिक नाम रखना भी एक प्रॉब्लम है। जैसे सनस्लिक का नाम सनस्लिक क्यों है, वो ये भी तो कह सकते शैम्पू है, लेकिन बाकी शैम्पू से अलग कैसे होता फिर वो, सनस्लिक एक शैम्पू ही है एट द एंड ऑफ द डे। जो लक्स एक साबुन है, पामोलिव एक साबुन है, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग है। तो इस वजह से कह रहा है बिल्कुल जेनेरिक रखने से भी आप ग्रेस करें, इवन इफ द फंक्शनैलिटी इज सुपीरियर, कि आपकी फंक्शनैलिटी को सुपीरियर भी होगी ना, तो बाकी ऐप से आप अलग नहीं हो पाएंगे। मेक इट टू यूनिक एंड रिमेम्बरिंग द इन्वोकेशन नेम इज मोर डिफिकल्ट। कह रहे हैं कि अगर आपने बहुत ज्यादा यूनिक कर दिया तो ये भी मेमोराइजेशन के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है, कि बिल्कुल ही कोई नया नाम रख दिया जो जिंदगी में किसी ने कभी ना सुना हो, तो वो मेमोराइज करने मुश्किल होगा। अच्छा, तो अब इसके बताने का मकसद क्या है, कि आप ना इस एक्सट्रीम पे जा सकते हैं ना उस एक्सट्रीम पे जा सकते हैं, आपको दरमियान में कहीं पे बैलेंस करके एक नाम सोचना है और वो नाम आपको रखना है। रिमेंबर यूजर्स नीड टू गेट इट राइट फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहे हैं कि भाई यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, मैं पहली दफा बोलूं और उसको समझ आ जाए, तो इन्वोकेशन नेम ऐसा होना चाहिए कि पहली बार बोले यूजर और समझ आ जाए सामने से उसको, अदरवाइज दे विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। दिस इजंट लाइक द वेब वेयर यू हैव अ सर्च इंजन दैट विल प्रोवाइड डिड यू मीन दिस प्रॉम्प्ट। कह रहे हैं गूगल पे तो आप गलत लिख देते हैं तो वो कहता है भाई डिड यू मीन दिस, उस पर क्लिक करते हो जाता है। कह रहे हैं यहाँ पे तो वैसा कुछ भी नहीं। फॉर आवर इन्वोकेशन नेम वी विल गो जेनेरिक बट डिस्क्रिप्टिव राउट and select sleep tracker. अब इसने एक ऐप बनाई है स्लीप ट्रैकर, उसका नाम रखो, which is also the name of the skill. In general, I have this overlap is the best practice. Although you can add more to your skill name. कह रहे हैं कि दो वर्ड का नाम रखे हैं मैंने, मैं और लंबा भी रख सकता हूँ। अच्छा, अब छोटा सा नोट लिख रहा है साथ में, आफ्टर एवरी चेंज यू कैन चूज टू सेव एंड बिल्ड योर मॉडल, जो हम कल देख चुके हैं कि आपको सेव पहले और बिल्ड उसके बाद करना होगा। यू विल कीप द चेंजेस लोकल टू द डैशबोर्ड वेयर एज बिल्डिंग विल। कह रहे हैं अगर आपने सिर्फ सेव का बटन दबा दिया और बिल्ड नहीं किया तो वो डैशबोर्ड पे चेंजेस तो आपकी सेव हो जाएंगी, लेकिन टेस्टिंग में वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक है, सेव लेकिन स्टिल हो जाएगा, वो टेस्टिंग में वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अच्छा जी, तो अब ये इन्वोकेशन नेम की कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। इंटेंट्स, इफ द इन्वोकेशन नेम इज कंसिडर्ड एनालिजस
एनालिजिस का मतलब क्या होता है भाई, मुझे भी नहीं पता, ये देख लेते हैं जरूरी से। कंपेरेबल इन अ सर्टेन रिस्पेक्ट, टिपिकली इन अ वे मच क्लियरर। मच क्लियरर द नेचर ऑफ द थिंग्स। अच्छा, क्लियर के लिए एक सिनोनियम है ये कि इफ इन्वोकेशन नेम इज कंसिडर्ड क्लियर, मतलब ऐसी बात हो जो पहली दफा में ही समझ आने वाली बात हो, टू अ डोमेन नेम। मिसाल के तौर पर डोमेन जो, अगर मैकडोनल्ड्स का डोमेन है तो mcdonald.com.pk है, लेकिन इस एक खास इन्होंने वर्ड यूज किया है, उसका मतलब है कि सिर्फ मैकडोनल्ड, जो शफाफियत के साथ समझ आने वाली चीज हो। तो कह रहे कंसिडर्ड ऐसे कर दिया हमने डोमेन नेम के साथ। इंटेंट आर द सिमिलर टू पाथ, सिमिलर टू पाथ। पाथ क्या चीज होते हैं, जैसे मैं किसी वेबसाइट में जाता हूँ स्लैश प्रोफाइल में जाता हूँ तो प्रोफाइल पेज आ जाता है, फिर मैं स्लैश अबाउट में जाता हूँ तो अबाउट का पेज आ जाता है, गैलरी में जाता हूँ तो गैलरी का पेज आ जाता है। तो कह रहे इंटेंट को ना आप इस तरह से समझें कि ये पाथ है, या इसको राउट्स, अगर रिएक्ट की जुबान में हम कहें तो राउट्स कह सकते हैं उसको, कि स्लैश के बाद जो चीज होती है उसको रिएक्ट में राउट कहा जाता है। हमने पढ़ी तो नहीं है रिएक्ट, लेकिन अगर किसी को पता है तो वो रिलेट कर सकता है उससे। दे मैप व्हाट अ यूजर वांट टू डू विद स्पेसिफिक एक्शन। कह रहे हैं कि पहले तो इन्वोकेशन नेम के जरिए वो आपकी काइंड ऑफ एप्लीकेशन के अंदर दाखिल हो गया, जिस तरह वेबसाइट के अंदर दाखिल हो जाता है बंदा डोमेन नेम टाइप करके। अच्छा, उसके बाद अब जो डिफरेंट पेजेस हैं उसकी जगह पे यहाँ पे डिफरेंट इंटेंशंस हैं, या इंटेंट्स भी शॉर्ट में उसको कहते हैं। इमेजिन द सिंपलेस्ट पॉसिबल स्किल दैट यू कैन ओनली दैट कैन ओनली डू वन थिंग एट अ टाइम। कह रहा है इमेजिन करें आप एक ऐसी स्किल के बारे में जो सिर्फ एक ही काम कर सकती हो एक वक्त में। से हेलो टू द यूजर When user say hello, सही है, आप हेलो बोले वो भी सामने से हेलो बोले। अच्छा, ये स्किल हम कल बना चुके हैं, ये जो बनाने जा रहे हैं अभी, ये कल हमने बना के खत्म कर दी। तो ये अब उसी के बारे में मजीद बता रहा है कि अब मैं ये करूंगा, ठीक है। एक हेलो इंटेंट होगा, उस हेलो इंटेंट में ये एड्रेंसेस डालूंगा, ठीक है। सैंपल एड्रेंसेस हम लिख चुके हैं, सैंपल एड्रेंसेस के बारे में ये कुछ बातें कर रहे हैं, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं बाद में, लेकिन ये चीजें हम कल कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सैंपल एड्रेंसेस सबने लिखा है, लिख के सेव का बटन दबाया, बिल्ड किया, चल गया। अच्छा, स्लॉट्स के बारे में अब कुछ बात हो रही है। कंटिन्यूइंग द यूआरआई एनालॉग एनालॉजी, जो यूआरएल की ये बात कर रहा था कि एक वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो वेबसाइट पे चलेगा, फिर जो डिफरेंट पाथ है वो आप इमेजिन कर लेंगे, डिफरेंट फंक्शनैलिटी है तो इसमें वो इंटेंट है। कह रहे हैं आप उसी चीज को अगर स्लॉट को हम उसी एनालॉजी में डालने की कोशिश करें तो स्लॉट्स आर लाइक द क्वेरी पैरामीटर। स्लॉट्स आर लाइक क्वेरी पैरामीटर। आपने बहुत सारी वेबसाइट में नोट किया होगा कि लिखा होता है facebook.com/profile/ उसके बाद यूजर नेम, ऐसे ही होता है। तो वो जो यूजर नेम होता है ना, वो हर यूजर अलग अलग होगा, वो पेज सेम खुलेगा प्रोफाइल का, लेकिन जिस यूजर नेम का नेम लिखेंगे प्रोफाइल उसकी खुलेगी। तो इस तरह की चीज को हम कहते हैं पैरामीटर, यूआरएल पैरामीटर या क्वेरी पैरामीटर भी कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि स्लॉट को अपना इस तरह पैरामीटर के तौर पर समझो कि जिस भी पेज पे बंदा जाएगा, मिसाल के तौर पे गैलरी के पेज पे गया बंदा, तो गैलरी के पेज पे कुछ पैरामीटर उसको मिलेंगे, तो वो एक खास किस्म की गैलरी तक पहुंचेगा। अच्छा, तो खैर अब ये स्लॉट के बारे में बातें कर रहा है काफी सारी, ये मेरा ख्याल है हम बना के देखें तो ज्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि हम ये वाली कहानी पढ़ें। आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं कहानी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसको बना के देखेंगे और फिर थोड़ा सा अगर हमें जरूरत पड़ी तो वापस आके हम इसको पढ़ भी लेंगे। अच्छा, कुछ ये पहले से अमेज़न ने बना के रखे हुए स्लॉट्स उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बिल्ट इन स्लॉट्स हैं। हम जब बनाएंगे तो हम इनके बारे में भी उसी वक्त बात करेंगे। कहानी बहुत लंबी लंबी कर दी है इसने इस वाले वर्जन में। बिल्डिंग द इंटेंट, इसमें ये बात बता रहा है कि जैसे ही आप बिल्ड का बटन दबाते हैं तो क्या होता है कि जो जो आपने वहां पे यूआई पे चीज लिखी होती है उन सबको वो जेसन में कन्वर्ट करता है और फिर वो एआई के मॉडल को ट्रांसफर कर देता है कि भाई अब आप ये डेटा आ गया, आप एआई अपनी रन करें, मॉडल ट्रेन करें और उसको चैटबॉट तैयार करते हैं। तो बिल्ड का बटन जब भी थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि वो पीछे मॉडल ट्रेन हो रहा होता है आपका।
तो इस पैराग्राफ में इसने थॉरली जो है ये बात की। अच्छा अब ये ना सैंपल एट्रेंसेस जरा देखें किस तरह से दे रहा है। ये सारे सैंपल एट्रेंसेस हैं। ये एक ऐसी ऐप बना रहा है, उसका नाम इसने क्या रखा है, स्लीप ट्रैकर। तो सबसे पहला जो इसके अंदर इन्हें इंटेंट रखा है उसमें एट्रेंसेस देखें ये किस तरह से दे रहा है, हाउ रेस्टेड विल आई बी, ठीक है, बगैर किसी स्लॉट के दिया, हाउ रेस्टेड विल आई बी इफ आई गेट नंबर ऑफ आवर्स और आवर स्लीप। मिसाल के तौर पे 8 अगर कोई बंदा गए तो 8 आवर्स ऑफ स्लीप, ठीक है, इस तरह से ये कह रहा है। और आप देखें मुख्तलिफ ऐसे एट्रेंसेस दे रहा है कि बगैर बगैर स्लॉट के भी और स्लॉट के साथ भी, दोनों के साथ दे रहा है। अच्छा ये जो एट्रेंसेस इसने लिखे हुए हैं ना, हमने तो इंटेंट क्रिएट किया वहां पे हाथ से जाके लिखा, नीचे हमारे पास एक जेसन वाला भी तरीका मौजूद है जिसके जरिए हम ये पूरा कॉपी करके पेस्ट करेंगे और वहां पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम वो अभी फिलहाल नहीं कर रहे। इसने एक दफा ही लिख के बता दिया ताकि इसको ज्यादा स्क्रीन शॉट्स ना करना पड़े, ठीक है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम एक एक करके क्रिएट करेंगे उसको ताकि आपको प्रॉपर पता चले कि हो क्या रहा है। और वही सबसे आसान तरीका है उसको क्रिएट करने का, क्योंकि जेसन वाले में क्या होता है, कोई भी एक कैरेक्टर मिस हो गया अलग सा वो एरर देता रहता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जेसन वाला जो तरीका है वो किस लिए है कि अगर प्रोग्रामेटिकली आप इसको जनरेट कर रहे हैं ना, उसके लिए बेस्ट है कि भाई अगर डेटाबेस से डेटा आ रहा है और ऑटोमेटिक इंटेंट जनरेट होकर चले जा रहे हैं तो उसके लिए वो सही है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को जेसन में आसानी रहती है। अदरवाइज अगर आप हाथ से क्रिएट कर रहे हैं तो आप क्रिएट इंटेंट का बटन दबा के ही करें। बीएस कोड पे हम अभी जाएंगे, लेकिन अभी हम इसी पे कोड करते हैं पहले, फिर हम क्या करेंगे अलग से सर्वर लिखेंगे, अपना अलग से सर्वर लिख के और उसको हम डिप्लॉय करेंगे। हम दोनों जगह कर सकते हैं, इन्होंने जो यूज किया है अमेजोन लैम्डा फंक्शंस जो यूज किए हैं उस पर भी डिप्लॉय कर सकते हैं, हरिको पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं एक्सप्रेस बनाकर, तो दोनों तरीके हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा अब यहाँ पे ना दो बातें बता रहे हैं, स्लॉट्स के बारे में ना दोबारा इसने पैराग्राफ खोल दिए, पता नहीं क्या किया इसने यार, नए वाले वर्जन में ना थोड़ी लंबी कर दी है कहानी। द फर्स्ट थिंग टू कीप इन माइंड दैट स्लॉट्स आर डिफरेंट, स्लॉट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लॉट एंड स्लॉट टाइप। यहाँ पे टाइपो हो गया आई थिंक, यहाँ पे होना चाहिए देयर इज अ डिफरेंस, स्लॉट एंड स्लॉट टाइप। अच्छा स्लॉट एंड स्लॉट टाइप में डिफरेंस क्या है मैं समझा देता हूँ आपको। देखें आपने कहा कि जैसे इसने शुरू में कहा कि हाउ वेल रेस्टेड आई विल बी इफ आई गेट 8 आवर्स ऑफ स्लीप, तो 8 आवर्स ऑफ स्लीप में हमेशा मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि बंदा क्या प्रोवाइड करेगा, नंबर, सही है। तो नंबर जो है वो स्लॉट टाइप है, इस पे क्या आएगा, हमेशा एक नंबर आएगा। अच्छा इसकी जगह पे स्ट्रिंग भी हो सकता था, स्ट्रिंग क्या होता कि भाई मुझे पिज्जा कौन सा चाहिए, लार्ज स्मॉल या मीडियम, मुझे लार्ज चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं 3 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लार्ज स्मॉल मीडियम, तो यहाँ पे क्या है मेरा टाइप, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं होता, इसमें स्ट्रिंग नहीं है, इसमें क्या है नंबर है, यहाँ पे सिटी नेम है, टाइप उसकी सिटी नेम है, हाँ इसी तरह से ही है। तो देखो हमने अभी ये वाला देखा ना कि 8 आवर्स ऑफ स्लीप, तो 8 आवर ऑफ स्लीप में स्लॉट की जो टाइप है ना वो नंबर होगी, लेकिन मेरी जो स्लॉट है ना उसका मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ, जो जिस तरह मेरे वेरिएबल का, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, जिस तरह मैं वेरिएबल का नाम रखता हूँ स्लॉट का मैं नाम कुछ भी रख सकता हूँ। जैसे इन्होंने अपने स्लॉट का नाम क्या रखा है, अगर आप नंबर ऑफ आवर्स रखा है, ये स्लॉट है मेरा, ये स्लॉट इस इंटेंट का स्लॉट है, लेकिन टाइप जो है वो इन जनरल है, तो जितनी टाइप इसके अंदर मौजूद है वो सारी टाइप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर टाइप कौन कौन सी मौजूद है, एक तो नंबर है, नंबर में क्या होगा, कोई सा भी नंबर बोलेंगे आप तो वो पिक कर लेगा उसको। सिटी नेम है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि आप जुमले के दरमियान में कोई सिटी नेम होंगे वो पिक कर लेगा उसको। इसी तरीके से एड्रेस है, एड्रेस का भी एक स्लॉट टाइप है, हाँ अच्छा
फिर हम जो स्लॉट की टाइप है वो अपनी भी बना सकते हैं। एक तो बिल्टन है ना, सिटी नेम दुनिया के फिक्स हैं, सिटी 200 कंट्रीज हैं उसके फिक्स सिटीज हैं, वो चेंज होते हैं तो ये भी चेंज कर देते हैं, इन्होंने इंटीग्रेशन की भी होगी कहीं से, चेंज हो तो चेंज होता है। ठीक है, नंबर जो है वो तो यूनिवर्सल है, नंबर तो नंबर होता है, उसमें तो कोई चेंजिंग वाली चीज है, तो वो बिल्टन ये स्लॉट टाइप्स है। हम अपनी कस्टम स्लॉट टाइप बना सकते हैं, मिसाल के तौर पर पिज्जा के केस में मेरी जो स्लॉट टाइप होगी ना वो मेरे मर्जी की होगी, भाई 3 टाइप के पिज्जा होते हैं मेरे पास, जब कोई चौथे टाइप इंट्रोड्यूस होगा तो मैं उस टाइप में ऐड कर दूंगा, वो स्लॉट टाइप एक अलग जगह पे बन रही होगी। ठीक है, अभी हम वो बना के भी देखते हैं आज ही की इंशाल्लाह क्लास में, कोशिश करेंगे हम कि स्लॉट टाइप हम एक अलग बनाते हैं, उस स्लॉट टाइप को हम डिफरेंट इंटेंट में उस टाइप से स्लॉट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास नंबर के नाम से एक बिल्ट इन है, पहले से स्लॉट टाइप बनी हुई, तो मैं जाहिर है एक में मैं ले रहा हूँ नंबर ऑफ आवर्स, कितने आवर्स स्लीप हुआ हूँ। ठीक है, अच्छा दूसरे अगर मेरे कंप्लेन का इंटेंट हुई, तो कंप्लेन के इंटेंट में मैं ये पूछ सकता हूँ कि सर आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो कितनी दफा आ चुकी है, वो कहेगा 5 दफा आ चुकी है, तो वहां पे भी नंबर ले रहा हूँ। तो टाइप दोनों में सेम है मेरे पास। ठीक है, और मेरे स्लॉट का नाम लेकिन हर इंटेंट में मेरा अलग होगा। हाँ, ये थ्योरी जरा पढ़ लें फिर हम बना के देखते हैं। Amazon provide two different options for the fulfillment. अब ये fulfillment की बात आ गई यहाँ पर। हम fulfillment में अभी जो code इस्तेमाल किया वो कौन सा इस्तेमाल किया? Amazon का जो lambda function था उसी को इस्तेमाल किया। Code वहीं पे लिखा हुआ था, लिखा, publish, deploy का बटन दबाया, deploy हो गया। उसने एक URL दिया होगा, most probably देता है वो, लेकिन वो हमें URL नहीं दिया, वो अंदर ही setting हुई भी है, खुद ही से पता चल गया उसको, क्योंकि दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे, दोनों की टाइटली इंटीग्रेटेड है दोनों आपस में। अच्छा, लेकिन हमारे पास क्या ऑप्शन है? ये पहला ऑप्शन तो ये रहा, सर्वरलेस प्लेटफॉर्म AWS Lambda, ये तो हमने अभी हेलो वर्ल्ड में जो करके देखा वो वाला। होस्ट योर ओन एंड पॉइंट ऑन अ सिक्योर सर्वर, जैसा कि हरिको या कोई भी दूसरा हरिको जैसा, तो अपना भी बना सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली हम अपना सर्वर बनाने की तरफ भी मूव करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़े देर तक AWS Lambda को इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, अपने सर्वर बनाने की तरफ मूव कर देंगे। अच्छा, प्रोज एंड कॉन्स बता रहा है ये कि अगर आप लैम्डा फंक्शन यूज करते हैं या अपना सर्वर यूज करते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। सबसे पहले हरिको वाला है, सेल्फ होस्टेड, यू ओन द सर्वर, सर्वर आपका होता है भाई, हरिको को पैसे देते हैं, हरिको आपको मशीन दे देता है, उस मशीन में आप जो भी करें। अच्छा, ये प्रो है इसका, कैन मोर इजिली टाई योर एग्जिस्टिंग डेटाबेस एंड सर्विसेज इनटू योर स्किल, कह रहे हैं आपके पास एक सर्वर पहले से बना हुआ है अगर हरिको पे वेब एप्लीकेशन को सर्व कर रहा है, तो आप उसी में ये भी कोड लिख देंगे तो डेटाबेस उसमें ऑलरेडी कनेक्टेड है आपका, आसानी से डेटा वहां पे अवेलेबल हो जाएगा आपको। अच्छा, मोर कंट्रोल ओवर हाउ रिक्वेस्ट आर हैंडल्ड, कह रहे हैं कि आपको रिक्वेस्ट की हैंडलिंग में ना मजीद कंट्रोल मिल जाता है। मजीद कंट्रोल का मतलब ये है कि आप अपनी जैसी चाहे वहां पे लॉजिक लगा लें। अच्छा, जैसी चाहे लॉजिक लगा लें का मतलब ये है कि कुछ चीजें ना लैम्डा फंक्शन में अलाउ नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप अगर उसको होल्ड करवाना चाह रहे हैं या सॉकेट का कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं तो वो लैम्डा में नहीं होता, तो इसी वजह से ये कह रहा है कि मोर कंट्रोल आ जाता है। अच्छा, अब उसका कॉन्स क्या है हरिको के, हैव टू मेंटेन योर ओन सर्वर। अच्छा, हम तो अपने घर पर तो बिल्कुल नहीं लगा रहे, तो मेंटेन तो हमें नहीं करना पड़ेगा, वो तो हरिको करेगा मेंटेन। अच्छा, एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन ऑफ इनकमिंग रिक्वेस्ट, कह रहे हैं जाहिर है जब आप हरिको पे अपना डिप्लॉय करेंगे या किसी घर में आप सर्वर लगाएंगे तो जब रिक्वेस्ट उस पर आएगी ना तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये मेरी ही स्किल से आ रही है कहीं और से आ रही है, जो हम कोर्स भी लगाते थे कोर्स का मॉड्यूल कि रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है देखें, तो वो आपको लगाना पड़ेगा। अगर वो आप नहीं लगाएंगे तो जाहिर है फिर तो कोई भी यूज करता रहेगा आपके सर्वर को। तो खैर, ये कोई इतना बड़ा कॉन्स नहीं है, हम इसको कर सकते हैं। लैम्डा फंक्शन की क्या बेनिफिट्स है? ऑटो स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग का मतलब ये है लैम्डा फंक्शन ना आपको स्टोरेज पे बात नहीं करता, आपसे कहता है नंबर ऑफ कॉल्स पे बात करता है। 1 मिलियन कॉल एक महीने की फ्री है आपकी, उसके बाद फिर वो पैसे चार्ज करता है। तो आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास 1 मिलियन की ट्रैफिक आ गई या 200 बिलियन की ट्रैफिक आ गई, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही करता रहेगा ऑटो स्केलेबल। अच्छा, पैसे लेकिन आपके चार्ज होंगे जितने भी यूजर आएंगे। ऑटोमेटिकली सर्टिफाइड फॉर PCI, कोई सर्टिफिकेशन की बात कर रहा है ये PCI, कोई स्टैंडर्ड्स हैं इनके अपने, उस पे ये पूरा उतरता है बाय डिफॉल्ट। ऑटोमेटिक सिक्योरिटी बेसलाइन, कह रहा है आपको किसी किस्म की वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि कहां से रिक्वेस्ट आ रही है, जब आप अलेक्सा के साथ उसको इंटीग्रेट करते हैं जो पहले से बना हुआ है तो वो अमेज़न देख लेता है उसके मसले मसाले। फ्री फॉर नियरली ऑल स्किल्स,
कह रहा है कि फ्री है सब सारे स्किल्स के लिए, लेकिन जाहिर है फ्री अनलिमिटेड बिल्कुल नहीं है, एक हद तक फ्री है, उसके बाद वो पैसे चार्ज करता है कॉल के। नो एक्स्ट्रा SSL, कह रहा है आपको SSL सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो तो हरिको में भी नहीं पड़ती वैसे भाई। नो सर्वर मैनेजमेंट, आपको कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ता कि भाई आप मेरी मशीन छोटी पड़ रही है, ट्रैफिक के लिए कम पड़ रहा है, कुछ वो सब नहीं करना पड़ता। लैम्डा के अब कॉन्स क्या है, मोर डिफिकल्ट टू कनेक्ट टू एग्जिस्टिंग डेटाबेस और सर्विस, ऑल्दो नॉट इम्पॉसिबल। हमारा MongoDB है, उसपे हमारे पास JavaScript की लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है, वो हम इसमें भी इम्पोर्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि भाई मेरा पासवर्ड दो दो जगह डिवाइड हुआ होगा, ठीक है, तो ये कोशिश करते हैं कि पासवर्ड जो क्रेडेंशियल्स हैं वो दो जगह पे ना बनाए। उसके लिए हम फिर ये करते हैं, नया यूजर बनाऊंगा MongoDB में, इसके लिए उसको वो वाला यूजर नेम दूंगा, उसको वो वाला यूजर नेम दूंगा, तो मसला हल है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है इसको करना। जब इसने लिखा नॉट इम्पॉसिबल, लेस कंट्रोल ओवर हाउ रिक्वेस्ट आर हैंडल्ड, लेस कंट्रोल की बात इसने यही वाली की है कि जाहिर है इस पर आप सॉकेट वगैरह इस तरह की चीज नहीं लगा सकते कि रियल टाइम कुछ कनेक्ट कर लिया आपने, इस तरह की चीजें आप इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड होता है, रिक्वेस्ट आती है फंक्शन इनिशिएट होता है, रिक्वेस्ट गई फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, अगली रिक्वेस्ट पर नया इनिशिएट होता है। तो अगर आपका सर्वर किसी दूसरे सर्वर से रियल टाइम में कनेक्टेड है तो वो इसमें नहीं हो सकता, लैम्डा फंक्शन में नहीं हो सकता। नहीं नहीं होगा वो, लेकिन रियल टाइम में नहीं हो सकता, रियल टाइम की चीजें इसमें नहीं होंगी क्योंकि शॉर्ट लिव्ड है ना ये सर्वर, ठीक है, इस वजह से रियल टाइम वाली चीजें इसमें नहीं हो सकती, हरिको पे हो सकती है। मिसाल के तौर पर कोई क्रिकेट का की API है, उससे आप रियल टाइम में कनेक्टेड है, क्या रियल टाइम में डेटा आता है उससे, ठीक है, रियल टाइम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर आप, फिर हर दो मिनट बाद चेक करेंगे, यही करेंगे जो कि मुनासिब नहीं होता। तो आप सॉकेट के जरिए कनेक्ट हैं तो, और जैसे आपका स्कोर चेंज होता है, आपने वेरिएबल लोकल वेरिएबल मेंटेन किया उसमें चेंज हो जाता है, जैसे ही स्किल आती है उठा के दे दिया। अदरवाइज आपको करना ये होगा कि जब रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे तो सर्वर से आप एक और API कॉल करेंगे, लेकिन वो रेकमेंडेड नहीं है, वो इसलिए नहीं है रेकमेंडेड कि सर पहले Alexa से रिक्वेस्ट निकल के गई सर्वर पे, अब सर्वर से एक और रिक्वेस्ट करूंगा ना मैं अगर, तो टाइम उसमें एक्स्ट्रा लगता है, टाइम उसमें क्या लगता है, एक्स्ट्रा लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो डेटा मुझे यूजर मांगने आ रहा है ना, वो मैं रियल टाइम में कहीं से लाला के पहले ही रखता जाऊँ सर्वर पर, ताकि मैं फौरन उठा के दूँ, ताकि रिक्वेस्ट का रिस्पांस जल्दी से जाए। इंटरनेट वगैरह में वैसे भी इशू रहता है, तो चैटबॉट का जो रिस्पांस टाइम है ना, वो भी कम से कम रखना एक वाइटल चीज है। आपका चैटबॉट देर देर से रिस्पांस करेगा ना, लोग तंग हो जाते हैं, कहते हैं क्या ये जवाब ही नहीं दे रहा जल्दी, तो एक ये भी प्रॉब्लम है। और इवन ये कि जो डायलॉग फ्लो है ना, उसके अंदर तो उन्होंने लिमिट भी लगाई हुई है कि 5 सेकंड से ज्यादा अगर आपने लंबा टाइम रखा ना, तो वो एज्यूम करता है कि रिक्वेस्ट का रिस्पांस आएगा ही, फेल हो गया, सही है, तो उसमें 5 सेकंड के अंदर अंदर ही आपको रिप्लाई करना होता है। ऑल्दो के 5 सेकंड एक बहुत लंबा टाइम है, इतना टाइम लगता नहीं है, लेकिन स्टिल आप कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते कि भाई 5 सेकंड से भी ज्यादा उसमें टाइम आपको सर्वर पे खा, तो उसमें कोई ऐसी हरकत आप बाय डिफॉल्ट कर ही नहीं सकते, उन्होंने मना किया था। तो अभी होस्टेड एंड पॉइंट और AWS लैम्डा के बारे में कुछ मजीद इसने बात की है। अच्छा, अब ये उस कोड के बारे में बात कर रहा है लाइन बाय लाइन जो हमने लिखा था। सबसे पहले क्या किया जनाब, एक रिक्वायर कर लिया स्किल को, एक लाइब्रेरी को रिक्वायर कर लिया, उस लाइब्रेरी का नाम क्या है, ASK SDK कोर, ये इस लाइब्रेरी का नाम, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, एक अदद फंक्शन है, एक अदद फंक्शन के अंदर जो ऊपर वाला पार्ट है जिसमें उन्होंने चेक किया है कि कैन हैंडल का जो फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, डिटरमाइंस वेदर दिस हैंडलर कैन हैंडल दिस रिक्वेस्ट, ये डिटरमाइन करता है। अच्छा, क्यों ये डिटरमाइन करता है, असल में होता ही है लैम्डा फंक्शन के काम करने का तरीका कि इसमें अगर 200 फंक्शन आपने दिए हुए ना, 200 फंक्शन आपने इसमें दिए हुए, तो वो करता ही है कि जब रिक्वेस्ट आती है ना, तो वो सबसे पहले फंक्शन में दाखिल करता है, फिर दूसरे में दाखिल करता है, फिर तीसरे में करता है, फिर चौथे में करता है, इस तरह से चला रहा होता है। एक्सप्रेस में जिस तरह होता है पाइपलाइन मैकेनिज्म, तो सेम इसमें भी वही तरीका है। तो वो इस वजह से हर रिक्वेस्ट में जब दाखिल होते हैं ना, तो यहाँ पे शुरू में कंडीशन लगी हुई है कि कैन हैंडल, अगर हैंडल नहीं कर सकता तो वो नेक्स्ट कॉल कर देगा। अगर हम एक्सप्रेस की जुबान में बात करें तो नेक्स्ट कॉल करते हैं कि अगले मिडलवेयर की तरफ आप रवाना हो दो। तो इस वजह से हर के शुरू में कैन हैंडल इन्होंने लगाया हुआ। तो क्या होता है कि 200 आपके फंक्शन है, 200 इंटेंट है, जैसी कोई रिक्वेस्ट आती है चाहे वो किसी भी इंटेंट से आए, पहले फंक्शन में उसको दाखिल करेगा वो,
अगर वहां हैंडल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अगले में, फिर अगले में, फिर अगले में, तो इस तरह से मैकेनिज्म चलता है। तो कैन हैंडल में आपने क्या चेक करवाया, आपने इंटेंट का नेम मैच किया कि हैंडल इनपुट डॉट रिक्वेस्ट एनवेलप डॉट रिक्वेस्ट डॉट टाइप, इंटेंट की रिक्वेस्ट होनी चाहिए। रिक्वेस्ट भी मुख्तलिफ तरह की, लॉन्च रिक्वेस्ट हमने देखा पहले कि जैसी ऐप लॉन्च होती है तो रिक्वेस्ट आती है, वो इंटेंट रिक्वेस्ट नहीं होती, वो लॉन्च रिक्वेस्ट होती है। तो इंटेंट रिक्वेस्ट होनी चाहिए और उस इंटेंट का डॉट नेम क्या होना चाहिए, जो भी आपका इंटेंट का नाम है वो होना चाहिए। तो फिर ये क्या कहेगा, उसको हैंडल को ट्रू कर देगा। जी जो अलेक्सा में करा उस तरह से कर लो, सेम ही आई थिंक, फर्क तो नहीं है दोनों में। चलो अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी हम कोर्ट पे जब मूव करेंगे ना ये चीज देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने दिया हुआ हैंडल, हैंडल का एक फंक्शन है। हैंडल में क्या होता है, आपने स्पीच तैयार कर ली जो आपको भेजनी है स्ट्रिंग में या SSML में। SSML भी आप लिखेंगे वैसे, स्ट्रिंग में ही लिखेंगे आप SSML भी। अच्छा, और रिटर्न आपने क्या किया, हैंडलर इनपुट डॉट रिस्पॉन्स बिल्डर। ये ऐसे ही कोड लिखा जाएगा लाइब्रेरी की तरफ से, ये इंस्ट्रक्शन है कि इस तरह से लिखना है आपको। डॉट स्पीक, और स्पीक के अंदर आपने वो बात लिख दी जो आपने तैयार की हुई है भेजने के लिए, और आपने कहा डॉट गेट रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स भिजवा दिया। अच्छा, गेट नहीं, इसको शायद सेंड रिस्पॉन्स करना चाहिए था लाइब्रेरी में, पता नहीं इन्होंने गेट नाम क्यों रखा है। ये मैं भी कहीं कंफ्यूज होता हूँ, जैसे एक्सप्रेस में होता है कि रिस्पॉन्स आया है तो हम कहते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड कि घर जाओ वापस, तो इसमें इन्होंने उल्टा नाम रख दिया, गेट करवा दिया। ठीक है, गेट रिस्पॉन्स कर दिया। रीप्रॉम्प्ट ही होता है कि दोबारा पूछे उससे, अभी उस पर भी आते हैं। अच्छा जी, तो अब इन्होंने क्या बनाया है, सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन बनाया है, सही है। ऑन अदर हैंड अलेक्सा में जो पहले से स्किल बनी हुई हेलो वर्ल्ड हमने देखी थी, उसमें तकरीबन 5 फंक्शन थे, तो उन 5 फंक्शन को नीचे एक जगह पे पास भी किया हुआ था। कैसे पास किया हुआ था, एक्सपोर्ट डॉट हैंडलर अलेक्सा डॉट स्किल बिल्डर डॉट कस्टम डॉट एड रिक्वेस्ट हैंडलर, और पहली रिक्वेस्ट ये इसमें एड कर दी। अच्छा, कॉमा लगा लगा के जितनी होगी ना सब इसमें पास करेंगे, एड रिक्वेस्ट हैंडलर में कॉमा लगा के सारे फंक्शन उसमें पास कर देंगे। ठीक है जी, और सारे फंक्शन पास करने के बाद डॉट लैम्डा कॉल कर देंगे। ये ज्यादातर जो इसमें सिंटैक्स है ना, आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत कोड लिखना पड़ रहा है, लेकिन ज्यादातर जो कोड है ना वो बॉयलर प्लेट है, वो हमेशा इसी तरह रहेगा, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
अच्छा ये तो जनाब बना रहा है कि वेल रेस्टेड का बनाते हैं ना ये। हम एक काम करते हैं, हम सैलानी की ऐप बनाते हैं, जो डोनेशन में सेक्शन ए में बना रहा था वो तो हेलो वर्ल्ड था जो आप लोगों कल बनवाया था, उनकी असल में एक क्लास पीछे चल रही है। तो हम उसी ऐप में यही सेम काम करते हैं और हम उसमें बनाते हैं डोनेशन का इंटेंट, ठीक है, डोनेशन का। उसमें भी नंबर इनपुट ले रहे होंगे हम, ठीक है। मिसाल के तौर पे बंदा आया, उसने कहा ओपन सैलानी वेलफेयर, सैलानी वेलफेयर, वेलकम टू सैलानी वेलफेयर, यू कैन डोनेट, सही है। अच्छा फिर बंदे ने कहा आई वॉन्ट टू मेक डोनेशन ऑफ 1,000। तो 1,000 जो है ये एक नंबर है, ये स्लॉट होगा, कोई हो सकता है 500 करे, कोई 300 करे। तो ये हम जल्दी से करके देखते हैं, क्योंकि थ्योरी जिस तरह से बताई है ना इसने, ये शायद मेरा ख्याल है समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी इसको आपको, अगर मैंने ये इस तरह समझाना शुरू कर दिया। तो हम आ जाते हैं जनाब यहाँ डेवेलपर कंसोल में। डेवलपर कंसोल में मेरे पास एक डोनेट का इंटेंट बना हुआ है, जैसा कि मैं आपको पहले भी दिखाना चाह रहा था। इसके अंदर लिखा हुआ है कि आई वॉन्ट टू मेक सम चैरिटी, आई हैव सदका टू ऑफर, आई वॉन्ट टू गिव सम मनी, आई वॉन्ट टू डोनेट मनी। ये चार पांच एड्रेंसेस लिखी हुई है। अच्छा अब मुझे एड्रेंसेस के साथ साथ यहाँ पे क्या ऐड करना है, स्लॉट वाली एड्रेंसेस ऐड करनी है, ठीक है। मैंने कहा कि आई हैव 1,000 रुपीज, ठीक है, ठीक क्रिएट अ न्यू स्लॉट। मुझे स्लॉट पहले बनाना पड़ेगा, एड क्रिएट न्यू स्लॉट, मैंने कहा क्या रुपीज, ठीक है। अच्छा रुपीज की मुझे एक टाइप पहले सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि ये जो रुपीज मांग रहा हूं मैं, ये बंदा बोलेगा क्या इसमें। मैंने कहा कि नंबर। अच्छा देख रहे हैं अभी यहाँ पे बिल्टन बहुत सारे ना स्लॉट्स बने हुए हैं, सिटी का नाम, रीजन का नाम, कंट्री का नाम, बुक्स, जितनी भी अमेजोन पे बुक है सबका नाम समझ सकता है। अच्छा सिटी है, कलर्स हैं, जितने भी कलर्स के नाम है वो समझ सकता है ये, ठीक है। कंट्री के नाम आ गए, ये डेट इसको समझ आता है कि वीक ऑफ डे, संडे मंडे ट्यूसडे, वो इसको समझ आता है। फिर इसमें लिख लेते हैं, ऐसा तो नहीं मिलेगा, ये क्या था नंबर। अच्छा नंबर के अंदर भी देखें अलग अलग है, 4 डिजिट नंबर है, सिर्फ नंबर है और फोन नंबर है, ठीक है। मैंने कहा कि सिर्फ नंबर, क्योंकि वो 2 डिजिट का भी हो सकता है और वो 10 डिजिट का भी हो सकता है, मैंने कहा सिर्फ नंबर। अच्छा मल्टी वैल्यू साथ में लिखा हुआ है, मल्टी वैल्यू हम इस वक्त सेलेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। मल्टी वैल्यू क्या होता है, मिसाल के तौर पे आपने कलर सेलेक्ट करने के लिए पूछा बंदे को, तो वो रेड सेलेक्ट किया उसने, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि 2-3 कलर सेलेक्ट करेगा। जैसे जैसे दुपट्टा बेच रहा हूँ तो मैंने कहा दुपट्टे का कलर बताएं प्लीज, तो उसने कहा रेड, येलो और ब्लैक, ये 3 कलर होने चाहिए दुपट्टे में। तो मल्टीपल फिर मैं ऑन करूंगा, फिर मुझे जो इनपुट मिलेगा ना वो एक एरे की सूरत में मिलेगा, ठीक है, वो भी हम इंशाल्लाह करके देखेंगे कभी। अच्छा तो ये मैंने क्या बना दिया, स्लॉट बना दिया, उसका नाम मैंने रखा रुपीज और उसकी टाइप मैंने रखी है नंबर। नंबर मैंने अपना टाइप नहीं बनाया, अपना टाइप हम बनाकर देखेंगे थोड़ी देर में, हमने नंबर जो टाइप बिल्ट इन था उसमें से नंबर ले लिया, ठीक है जी। अच्छा हम अब इसको कर देते हैं सेव। अच्छा ये इसको बताना पड़ेगा ना कि ये 100 जो ये रुपीज है, 1,000, ठीक है। आई हैव रुपीज रुपीज टू डोनेट, ठीक है, टू डोनेट बल्कि हटा देते हैं, बस सिर्फ हम रुपीज कर देते हैं। अच्छा अब जो मेरा रुपीज है ना, ये इसमें क्या क्या हो सकता है, डॉलर हो सकता है, रुपीज हो सकता है, सही है। अच्छा तो पहले तो हम इसको इसी तरह बनाते हैं, फिर हम इसमें एक और स्लॉट ऐड कर देंगे कि 1,000 भी बताए साथ में, ये भी बताएगा डॉलर है या रुपीज है। कुछ मजीद एक दो तो बता देते हैं, आई वॉन्ट टू सदका, और मैं क्या कर दूंगा ऐसे रुपीज लिख दूंगा, सदका 1,000 रुपीज, ठीक है। ये मैंने 2 एड्रेंसेज ऐड कर दी स्लॉट के साथ वाली, बगैर स्लॉट वाली भी कर दी, स्लॉट के साथ वाली भी कर दी, टोटल 7 एड्रेंसेज हो चुके हैं मेरे पास। इसको मैंने सेव किया, वांट वांट दोबारा, ये एग्जैक्टली यू आर राइट, सही है, सेव मॉडल कर दिया एक दफा और बिल्ड इसकी चला दी मैंने। अच्छा इसके
वो बता देगा ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी करके देख लेते हैं। वो भी कोड में आ गया मैं। अब कोड में मुझे क्या करना पड़ेगा, कोड में मुझे वो वाली स्लॉट जो मैंने वहां पे बताई है वो कोड में मुझे मिलेगा। अच्छा, ये मेरा डोनेट इंटेंट हैंडलर यहाँ पे मौजूद है बना हुआ है, सही है, डोनेट इंटेंट हैंडलर के नाम से मैंने ये बनाया हुआ है। और इसके अंदर जो कैन हैंडल है, ये कैन हैंडल का जो फंक्शन है, इसमें मैंने क्या बताया हुआ है कि इंटेंट रिक्वेस्ट होनी चाहिए और साथ में उसका नाम क्या होना चाहिए, इंटेंट का डोनेट नाम होना चाहिए। ठीक है, नाम मुझे एग्जैक्टली सेम रखना होगा जो मैंने अपने इंटेंट का नाम रखा है, जरा सा भी नाम डिफरेंट हो गया ये काम नहीं करेगा। अच्छा, फिर मैंने हैंडल में क्या कहा, हैंडल में कहा कि स्पीक आउट करके कुछ बोलो, सही है, यू कैन कॉल सैलानी नंबर फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव विल कम टू कलेक्ट योर डोनेशन। पहले मैंने ये बनाया हुआ, मैंने आज सेक्शन ए वालों को ये बनाना सिखाया है कि टॉक टू सैलानी और वो कह रहा आई वांट टू डोनेट, तो जवाब में उसको वो बोले कि भाई आप फोन कर लें, बंदा खुद आपके हाथ से आके आपसे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो अब इस स्पीक को मैं चेंज करना चाह रहा हूं और साथ में मैं ये भी चाह रहा हूं कि यहां पे मैं उस स्लॉट को प्रिंट करवा के देखूं, उस स्लॉट को मैं क्या करूंगा, प्रिंट करवा के देखूं कि आया कि उस स्लॉट में मुझे मिल क्या रहा है। सही है, तो हम आ जाते हैं जनाब बुक का कोड देख लेते हैं कि उन्होंने स्लॉट को कैसे गेट करना बताया हुआ। अच्छा, ये वाला तरीका आप दोस्त कह रहे थे कि नहीं चल रहा था। अच्छा, पूरा ही नहीं चल रहा था। ये रहा ना स्लॉट हैंडल इनपुट, नहीं ऊपर वाला तो चलो मुझे कोई ऐड करने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो पहले से ही लिख के दे दिया उन्होंने, लेकिन स्लॉट मैं उठाना चाह रहा हूँ कि मुझे कौन कौन सी स्लॉट्स मिली हैं, तो ये स्लॉट्स आ जाएंगे इसके अंदर। मेरे पास एक ही स्लॉट है तो मुझे एक ही स्लॉट मिलेगी। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ आवर इसने इस तरह से उठाया है, उठा लेता हूं मैं जनाब ये भी। अच्छा, नंबर ऑफ आवर्स की जगह हमारे पास जो स्लॉट है उसका नाम क्या है, रुपीज नाम है उसका। ठीक है, तो मैंने यहां पे ले लिया रुपीज। ठीक है, स्लॉट्स डॉट रुपीज डॉट वैल्यू, इन दोनों को मैं कंसोल भी करवा देता हूं। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, स्लॉट्स को मैं कंसोल करवा देता हूं और रुपीज को भी मैं कंसोल करवा देता हूँ। ये पीछे पीछे भाग रहा है, यही वजह है कि हम इसको थोड़े दिनों में लेके चले जाएंगे वीएस कोड पे और वहां एक्सप्रेस के सर्वर पे हम ये चीज लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर इंडेंटेशन वगैरह ये चीजें, फिर अभी लॉग्स देखना, ये वाले मसले मसाइल बहुत हैं इसके अंदर। अच्छा, रुपीज मुझे यहाँ पे मिल गया। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं अपने रिस्पॉन्स में इस रुपीज को ऐड करना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैं पहले बैकटिक कर दूं इसको, सही है, बैकटिक कर दिया मैंने इसको। अब ये मुझसे क्या कहे कि रिप्रेजेंटेटिव विल कम टू कलेक्ट योर डोनेशन ऑफ 1000 ऑफ रुपीज। ठीक है, आसान हो गया। अब बंदे ने अगर स्लॉट बोला तो स्लॉट इसमें उसको वापस रिटर्न सुनाई देगा। इतने कोड को हम क्या करते हैं, अब चला के देखते हैं। डिप्लॉय का बटन दबा दिया मैंने, ये कोड मेरा चल जाना चाहिए। तीसरा मैं टैब खोल लेता हूँ टेस्ट के लिए, ये तीसरा टैब आ गया मेरा, इसमें टेस्टिंग चलेगी मेरी। बिल्ड मेरा कंप्लीट हो चुका है इंटेंट वाला। हाँ, उसका डिप्लॉय का बटन दबा दिया मैंने। टॉक टू सैलानी वेलफेयर, ओपन सैलानी वेलफेयर, ये समझ से बाहर है कि क्यों। मैं अपने फोन से कनेक्ट करके देखता हूँ, फोन बाहर
मैंने अपने फोन का इंटरनेट कनेक्ट कर लिया इस पर, अब देखते हैं क्या होगा। ओपन सैलानी वेलफेयर, वेलकम टू सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, यू कैन डोनेट मनी और लर्न टेक्नोलॉजी हियर, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। अच्छा, जो वेलकम जो इंटेंट था उसमें मैंने वेलकम टू सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, यू कैन डोनेट मनी और लर्न टेक्नोलॉजी हियर, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। सही है, ये हो गया। अब यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि आई वांट टू डोनेट 1000 रुपीस। अभी आराम से, आई वांट टू डोनेट 7000 रुपीस। यू कैन कॉल सैलानी उवन नंबर एंड अ रिप्रेजेंटेटिव विल कम टू कलेक्ट योर डोनेशन ऑफ 7000। 7000 उसको स्लॉट में वहां पे मिल गया 7000। ठीक है, समझ आया सबको कैसे हुआ ये? अब इसी तरीके से अगर मैं पिज्जा ऑर्डरिंग की बना रहा होता तो, लेकिन पिज्जा ऑर्डरिंग में बिल्ट इन स्लॉट टाइप मेरी इस्तेमाल नहीं होती, फिर मुझे अपनी स्लॉट टाइप बनानी पड़ती, वो भी हम बना के देख लेते हैं। अच्छा, अब सवाल है कि अगर ये स्लॉट उसको नहीं मिला तो ये क्या करेगा, अगर नहीं हो तो क्या करेगा भाई? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि स्लॉट नहीं बंदे ने दिया, फिर अच्छा यहाँ पे आप नोट कीजिए कैसे गया था मैं। हर स्लॉट के सामने ना एक बात लिखी हुई है, एडिट डायलॉग्स। ठीक है, आपने एडिट डायलॉग्स पे क्लिक किया तो एडिट डायलॉग्स पे क्लिक करने के बाद क्या लिखा हुआ रहा है, इज दिस डायलॉग, इज दिस स्लॉट रिक्वायर्ड टू फुलफिल द इंटेंट। क्या ये स्लॉट जरूरी है आपके लिए कि आप ये बंदा बोले ही लाजमी। ठीक है, मैंने कह दिया ट्रू कि भाई ये जरूरी है कि भाई बंदा बोले ये 1000, अगर ना बोले तो अब उससे पूछो पलट के। अच्छा, जो मैंने अभी तक कोड लिखा है उसमें अगर मैंने 7000 का वर्ड नहीं बोला या कोई 1000 वाला वर्ड, कोई भी नंबर नहीं बोला मैंने, तो मुझे स्लॉट क्या मिलेगी, अनडिफाइन। करके देखते हैं ट्राई, क्या हुआ? नहीं, वो तो बिल्ड नहीं किया ना मैंने, ना सेव किया, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा इधर। अभी जब तक मैं बिल्ड नहीं चलाऊंगा ना, वो मेरी टेस्टिंग में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आस्क सैलानी वेलफेयर टू डोनेट समथिंग, डायरेक्ट मैंने इंटरनेट हिट करवा दिया। सॉरी आई डोंट नो अबाउट, ओपन सैलानी वेलफेयर, एक एक करके करता है इज्जत के। Sorry, I don't know about that. Please try again. इसको ऑफ करके ऑन कर देते हैं टेस्टिंग को। ओपन सैलानी वेलफेयर। Sorry, I don't know about that. Please try again. पूरा पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। अच्छा, चलो करके देखते हैं। ओपन सैलानी वेलफेयर, वेलकम टू सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, यू कैन डोनेट मनी और लर्न टेक्नोलॉजी हियर, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। अच्छा, अब मैं इसको कहूंगा कि आई वांट टू डोनेट, लेकिन मैं कोई रुपीस का नाम नहीं लूंगा, तो वो स्लॉट मुझे अनडिफाइन मिलनी चाहिए, और ना मैंने रिक्वायर्ड लगाया, रिक्वायर्ड कर दूंगा मैं तो फिर मुझे पलट के पूछेगा भाई बताओ। आई वांट टू डोनेट समथिंग, you can call Sailani Uin number and a representative will come to collect your donation of undefined. सही है, collect your donation of undefined. अब इस undefined के केस में ना मैं पता क्या कर सकता हूँ, अगर तो मेरे लिए है ये optional कि बंदा बोल दे तो सही है, नहीं बोल दे तो कोई मसला नहीं, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा if else। ठीक है, ये मेरा ये था ना रुपीज, मैं यहाँ पे if else लगा दूंगा कि भाई रुपीज बोला है साथ में तो उसको जुमले में शामिल कर दो, या कोई API कॉल करनी है तो वहां भेज दो, अगर बंदे ने नहीं बोला तो रहने दो,
उसको शामिल करने की जरूरत है। तो ऑप्शनल है, बहुत सारी चीजें ऑप्शनल हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे इस केस में ये कह रहे हैं कि सैलानी के यूएन नंबर पे कॉल करें आप, वो बंदा खुद ही कलेक्ट करने आएगा। तो इस केस में ये जरूरी नहीं है कि कितने थाउजेंड की बात होगी, सही है। हाँ, लेकिन अगर बंदा बोल देता है तो एक लिस्ट हम बना सकते हैं, जो बंदा जा रहा है कलेक्ट करने उसके पास लिस्ट आ जाएगी कि भाई महमूद साहब के पास से 7000 लेने हैं, उसको पता होगा, एक डेटा आ जाएगा पहले से। तो ये ऑप्शनल है काइंड ऑफ, लेकिन चलो हम इसको रिक्वायर करके देखते हैं। अच्छा, ये रिक्वायर मैंने ट्रू कर दिया, और रिक्वायर ट्रू करने के बाद इसने कहा अलेक्सा स्पीच प्रॉम्प्ट, ठीक है, अलेक्सा स्पीच प्रॉम्प्ट। मैंने कहा भाई प्लीज टेल मी द अमाउंट, सही है। अगर बंदे ने ये अमाउंट नहीं बोला तो वो उसको क्या बोले, प्लीज टेल मी द अमाउंट। अच्छा, अब जाहिर है जब हर दफा एक ही प्रॉम्प्ट आएगा तो ऐसा लगेगा कोई रोबोट है, ह्यूमंस से करीब करीब होना चाहिए। तो इसमें आप मल्टीपल जुमले दे सकते हैं, वो रैंडमाइज करके हर दफा अलग अलग पूछेगा। अगली दफा वो ये पूछ सकता है हाउ मच मनी, सही है, और या व्हाट अमाउंट, हाउ मच सबका डू यू हैव टू डोनेट, ठीक है। सदका वो होता है कि हर अच्छे काम के लिए जो चीज दी जाती है, जो पैसे दिए जाते हैं, वो सदका होता है, ठीक है। अगर आप किसी रास्ते चलते वाले को भी दे रहे हैं तो वो भी सदका है, अगर किसी की आप किसी को आपने शॉपिंग करवा दी तो वो भी सदका है। सदका ही इन जनरल बिल्कुल हर, मतलब एक तो दूसरी डोनेशन होती है ना, उसका कुछ नाम देते हैं हम डोनेशन को कि भाई एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, तो सदका इन जनरल जो है सदका होता है। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट में पूछ सकता हूँ कि भाई कितना सदका आप देना चाह रहे हैं। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट्स लगा कर और इसको क्या कर दिया, सेव मॉडल, ठीक है, सेव कंप्लीट हो गया, बिल्ड मॉडल। अब अगर बंदे ने वो बात नहीं बोली ना, तो उससे पलट के पूछेगा, तुम्हारे केस में जो ऑर्डर तुमने बनाया था वो तीन चार बातें जो पूछ रहे थे वो सारी पूछना जरूरी है कि भाई बर्गर चाहिए, चिकन चाहिए, फिर चिकन कौन सा चाहिए, चिकन जिंगर भी होता है, प्लेन भी होता है। अच्छा, अब ये तो हो गया प्रॉम्प्ट, ये तो हो गया वो प्रॉम्प्ट कि जो अगर बंदे ने अमाउंट का नाम नहीं लिया तो ये वाले प्रॉम्प्ट पूछेगा। अच्छा, अब जाहिर सी बात है जो मैंने पीछे अटरेंसेस बताया था अलेक्सा के इंटरेक्शन मॉडल को, वो तो इस पे था ना कि एक ही जुमले में बंदा बात कहे कि भाई आई वॉन्ट टू डोनेट समथिंग और आई वॉन्ट टू डोनेट 1000, एक ही जुमले वाला। लेकिन अब जो इसने पूछा है ना बंदे से, तो अब जाहिर है बंदा थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में भी जवाब दे सकता है जो कि इस स्लॉट से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट अमाउंट, तो आप क्या कहेंगे, 1000, सिंपल। अच्छा, तो अब ये यूजर अटरेंसेस यहाँ पे मुझे इसके साथ की भी देनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जस्ट अगर बंदा ये कहे ना कि 1000 तो भी एक्सेप्टेबल है, या बंदा ये भी कह सकते हैं आई हैव 1000, ठीक है, इस तरह भी बंदा कह सकता है कि, मतलब इस जवाब में जो बंदा कहेगा ये उसकी एग्जाम्पल है, एक तो इंटेंट की मेन एग्जाम्पल है, ये उससे अलग है। अच्छा, ये बंदे ने कह दिया कि जस्ट 1000 या 1000 ओनली, 1000 ओनली इस तरह भी कहते हैं लोग। और कोई आ रहा है जहन में, नहीं, वो तो बोल चुका है पहले। अभी मैंने पूछा हाउ मच मनी, नहीं वो तो ये कह चुका है आई वॉन्ट टू डोनेट, जब भी तो मैं पूछ रहा हूँ हाउ मच मनी, इसका जवाब चाहिए। इन तीन जुमले के अलावा कोई अगर आ रहा है तो बताएं, वरना इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, नीचे सबसे लास्ट में आ रहा है कंफर्मेशन, क्या आ रहा है, स्लॉट कंफर्मेशन। अच्छा, स्लॉट कंफर्मेशन का चक्कर क्या है कि मेरे पास अभी तो एक स्लॉट है, ठीक है, मेरे पास तीन चार स्लॉट भी हो सकती है। तो जब सारी स्लॉट पूछ ले, प्रॉम्प्ट सारे कर ले, तो मुझे लास्ट में ये बताए, ये वाला प्रॉम्प्ट करे, वो मेरी मर्जी का एक प्रॉम्प्ट होगा कि आर यू श्योर, और सारे प्रॉम्प्ट का नाम ले। मिसाल के तौर पर अगर बंदे ने बर्गर ऑर्डर किया है तो उसको कहे आर यू श्योर टू ऑर्डर 1 पीस
चिकन जिंगर विद चीज, ठीक है, आर यू श्योर टू डू डेट? तो हम इसमें ये भी प्रॉम्प्ट भी लगा लेते हैं, मैंने कहा कि आर यू श्योर टू डोनेट, और डोनेट के बाद मैंने वो रुपीज लगा दिया। अच्छा, ये रुपीज मुझे मिल चुका है, ये रुपीज का जो इनपुट है ना ये मिल चुका है मुझे, तो जो भी यूजर ने लिखा होगा ना रुपीज में, ये वही यूजर को पढ़ के सुनाएगा। सही है, आर यू श्योर टू डोनेट 1000 और रुपीज, ठीक है, ये मेरा प्रॉम्प्ट होगा। बंदा कहेगा यस तो वो फिर मेरे कोड पे पहुंचेगा, उससे पहले मेरे कोड पे नहीं पहुंचेगा वो। जी, कोड में नहीं, ये मेरे यहाँ का स्लॉट है, यही जो एक पीछे पैराग्राफ था ना कि स्लॉट में और स्लॉट टाइप में डिफरेंस है, तो स्लॉट जो है ना वो मेरे इस इंटेंट के अंदर कहीं भी बात करूंगा ना स्लॉट की बात होगी, और स्लॉट टाइप इन जनरल। तो ये मेरा स्लॉट है, अगर इसको मैं सेव कर देता हूँ, भी सेव करके अगर मैं वापस आऊँ ना अपने डोनेट के अंदर यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखें मैंने एक रुपीज के नाम से एक स्लॉट बनाया हुआ है, ये रुपीज इस इंटेंट के अंदर मुझे मिलेगा। इसकी टाइप तो नंबर है, जस्ट एक सिंपल नंबर है ये, लेकिन रुपीज के नाम से एक वेरिएबल है। अब दोबारा मैं एडिट डायलॉग में गया, यहाँ पे जाके आप नोट करें, पहले वो पूछ रहा है कि भाई अगर ये स्लॉट रिक्वायर्ड है तो आप मुझे बताएं, ताकि मैं पलट के दोबारा पूछूं उसको। वो अटरेंसेस बता दिए मैंने, वो प्रॉम्प्ट्स बता दिए कि भाई ये बात पूछो यूजर से दोबारा, यूजर किस तरह से जवाब दे सकता है, पॉसिबिलिटी जो है इसकी, वो नीचे एड्रेसेस बता दिए मैंने कि भाई इस तरह से यूजर इस स्लॉट का जवाब दे रहा होगा इंडिविजुअली। फिर कंफर्मेशन है, अभी मेरे पास एक स्लॉट है, इमेजिन करें मेरे पास तीन स्लॉट होगी, तीनों का प्रॉम्प्ट पूछा, तीनों का जवाब दिया यूजर ने, अब लास्ट में यूजर को पता कैसे चलेगा सही सही बोल दिया, सही सही समझ गया है मेरा अलेक्सा। ये पता लगाने के लिए, यूजर की आसानी के लिए, हम एक लास्ट में प्रॉम्प्ट लगाते हैं, कंफर्मेशन प्रॉम्प्ट कहते हैं उसको। कंफर्मेशन प्रॉम्प्ट में मैं उसी नाम से जब लिखूंगा ना यहाँ पे, मिसाल के तौर पर मैंने कहा ये आर यू श्योर, मैंने लिखा था तो गायब कैसे हो गया, आर यू श्योर टू डोनेट, सही है 1000, इसकी जगह पे 1000 शो हो रहा होगा, अगर बंदे ने 1000 कहा होगा तो 1000 रुपीज टू सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, ठीक है जी, ये कर दिया मैंने, एंटर किया, और एंटर करके अब मैं सेव का बटन दबाया, सही तो है, यही तो किया था मैंने। अच्छा नो कह देंगे तो एग्जिट हो जाएगा, कैंसिल वाला चल जाएगा, कैंसिल वाला जो बिल्ट इन इंटेंट है ना वो चल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टॉप इंटेंट जो है, ये वाला इंटेंट चल जाएगा, कैंसिल या स्टॉप इनमें से कोई एक चलेगा, करके देखना पड़ेगा भाई, मैं अभी भूल गया हूँ कि कौन सा चलता है। अच्छा ये जनाब मेरा सेव हो गया मॉडल, बिल्ड का बटन दबा दिया मैंने ताकि बिल्ड हो जाए। बिल्ड होने के बाद क्या मुझे कोड में कोई चेंजेस करने की जरूरत है? कोड में तो कोई चेंजेस करने की जरूरत, क्योंकि अब तो मुझे ये स्लॉट मिलेगा ही मिलेगा, जब तक स्लॉट यूजर बोलेगा नहीं ना वो पूछता रहेगा, अलेक्सा बार बार पूछता रहेगा उससे जब तक वो बोल ना दे, और अलग अलग सेंटेंसेस में पूछेगा वो, जैसा कि मैंने उसको बताया था। ठीक है, बिल्ड मेरा जनाब कंप्लीट हो गया, नहीं हो रहा है अभी भी। जैसे ही बिल्ड कंप्लीट होगा, कोड तो मेरा वही है, कोड में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, मैं टेस्टिंग वाले पे आके उसको टेस्ट करूंगा कि यार अब क्या रिपोर्ट है इसकी टेस्टिंग की। ठीक है, बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये सारा डेटा उठाता है, एआई को देता है कि भाई अब मॉडल ट्रेन कर लो इस हिसाब से, ये ट्रेनिंग एक्चुअली, बिल्ड का बटन ना एक्चुअल में ट्रेनिंग है। डायलॉग फ्लो पे जब आप करते हैं ना, उसमें बाकायदा लिखा हुआ भी आता है कि ट्रेनिंग इन प्रोग्रेस, इसमें ये कहता है बिल्ड हो रहा है, बताता नहीं है, थोड़ा मतलब यूजर के हिसाब से रखता है, ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं बताता। अच्छा, तो मैंने इस पेज को रिफ्रेश कर लिया टेस्ट वाले को, जैसा कि आपके एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि भाई रिफ्रेश करोगे तो चलेगा ये। अच्छा, अब मैं इससे कहता हूं कि भाई ओपन सैलानी वेलफेयर, वेलकम टू सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, यू कैन डोनेट मनी और लर्न टेक्नोलॉजी हियर, व्हाट वुड यू लाइक टू डू? अच्छा, अब इसने मुझसे कहा कि यू कैन डोनेट और लर्न टेक्नोलॉजी, लर्न टेक्नोलॉजी तो इंटेंट बना हुआ ही नहीं है अभी, तो वो तो मैं बोल नहीं सकता। मैं कहता हूँ भाई आई वांट टू डोनेट समथिंग, तो उसको पलट के पूछना चाहिए कि हाउ मच अमाउंट, क्योंकि मैं अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ। आई वांट टू डोनेट समथिंग,
How much money? सही है, इसने पलट के मुझसे पूछा हाउ मच मनी। अच्छा अब जब तक मैं उसको बता नहीं दूंगा ना कि कितनी, हाउ मच का जवाब नहीं दे दूंगा मैं, जब तक ये आगे मूव नहीं करेगा। देखें आप, व्हाट आर यू आस्किंग? आर यू श्योर टू डोनेट रुपीस टू सेलानी वेलफेयर ट्रस्ट? ये कुछ गलत हो गया, उसको पूछते रहना चाहिए था असल में। रिफ्रेश करते हैं दोबारा से। अच्छा एक दफा मैं देख लूं, वो फिर से गायब तो नहीं हो गया? नहीं है तो सही, नहीं वो असल में उसको पूछते रहना चाहिए था, पता नहीं क्यों उसने आगे बढ़ गया वो। ओपन सैलानी वेलफेयर। Welcome to Ceylani Welfare Trust. You can donate money or learn technology here. What would you like to do? I want to donate. Please tell me the amount. I want you to donate. Are you sure to donate? Rupees to Ceylani Welfare Trust? ये उधर रुक नहीं रहा। कोई हमने कोई चीज हमने मिस कर दी है जिसकी वजह से ये बार बार नहीं पूछ रहा। असूला है इसको बार बार पूछते रहना चाहिए जब तक मैं बता रहा हूँ। तो खैर अगर मैं इसको बता देता हूँ कि आई वॉन्ट टू डोनेट 1,000 रुपीज। आर यू श्योर टू डोनेट 1,000 रुपीज टू सेलानी वेलफेयर ट्रस्ट? अच्छा ये वाला जो प्रॉम्प्ट आया, ये कंफर्मेशन प्रॉम्प्ट आया जब मैंने सबसे लास्ट में लगाया था, ठीक है? जब ये सारे स्लॉट मुझसे पूछ लेगा ना तो एक बार कंफर्म करेगा। अच्छा ये कंफर्मेशन जरूरी क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन है। ये कंफर्मेशन अलेक्सा में तो उन्होंने बिल्टन बनाया है, डायलॉग फ्लो में इस तरह का बिल्टन ऑप्शन नहीं होता, लेकिन हम फिर भी कंफर्मेशन बना के यूजर को भेजते हैं। उसका रीजन ये है कि वॉइस टेक्नोलॉजी जो है ना वो है न्यू अभी, अच्छा समझता है नहीं इतनी अच्छे से बात को ये। तो लोगों को ना मिसाल के तौर पर आपने पूछा कि भाई क्या ऑर्डर करना है, उसने कहा भाई लार्ज पिज्जा ऑर्डर कर दो, आपने कहा हो गया ऑर्डर, आपने क्या जवाब दिया? हो गया ऑर्डर। अब उसको ये यकीन नहीं आएगा कि यार ऑर्डर गलत तो नहीं हो गया, नहीं क्या ऑर्डर हुआ है। तो उसको ना आपको बताना पड़ता है कि भाई 1 लार्ज पिज्जा ऑर्डर इज डन, एटलीस्ट इतना उसको डेटा देना पड़ेगा ताकि उसको ये समझ आ जाए कि अच्छा यार जो उसने सुना है ना वो सही सुना है। अच्छा जैसे कि ये वाला मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू डोनेट 1,000 रुपीज। अब अगर मैंने कह दिया ना कि भाई ठीक है डोनेट हो गया आपका, जो आपने बोला था वो हो गया, उसको उसको लगेगा पता नहीं 1,000 हुआ या 5,000 हो गया, तो ये तो नहीं पता चलेगा। तो इसलिए कंफर्मेशन से ना ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो बंदे ने बोला है वो जाहिर है अलेक्सा ने सुना है, और वो अलेक्सा वापस अगर बोल दे तो बंदे को ना यकीन आ जाता है कि अच्छा यार जो मैंने बोला था वही सुना, और फिर बंदा वो यस करता है। अब मैं कहूंगा कि यस यस आई एम श्योर। You can call Ceylani Uin number and a representative will come to collect your donation of 1,000. सही है, मैंने yes बोला तो वो मेरे intent पे जाके hit हो गया और मेरा वही वाला response होता है कि आप call करें 1,000 आपसे लेने के लिए बंदा आ जाएगा। अच्छा इसमें भी हम condition लगा सकते हैं कि अगर बंदे ने कहा है ना कि 1,000 या 2,000 या 5,000 तो हम ये अलग response दें। अगर बंदे ने कहा यार 5 लाख donate करना है 10 लाख करना है तो मैं फिर अलग response दूं, मैं कहूँ भाई ये account number है आप इस पर donate करो, ठीक है? तो मुख्तलिफ मैं कर सकता हूँ। जाहिर है छोटे अमाउंट के लिए अलग तरीका होता है कलेक्शन का, बड़े अमाउंट के लिए अलग होता है, उससे भी ज्यादा बड़े अमाउंट के लिए अलग होता है, सेम तरीका नहीं होता भाई। छोटा मोटा आप डब्बे में डालते हुए चले जाएं, ठीक है? लेकिन जाहिर है इस डब्बे के अंदर बंदा 5 लाख तो डाल नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है? 10-12 लाख अगर डालना है आपको, 50 लाख डोनेट करना है तो वो डब्बे के अंदर पॉसिबल नहीं होता, आप डालते रहे। तो उसके लिए फिर मुख्तलिफ दूसरे तरीके होते हैं कि आप बैंक अकाउंट से ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, आसान होता है। तो वो इफ एल्स मैं कहाँ पर लगाऊंगा? अपने कोड में लगाऊंगा। अच्छा जी अब हम जल्दी से क्या करते हैं, एक अदद ना कस्टम स्लॉट बना के अपनी क्लास को खत्म करते हैं और फिर कल आप फूड ऑर्डरिंग की ऐप बनाकर रखें, सही है? मुश्किल तो नहीं था अभी तक जो हमने पढ़ा है, वो बस एक प्रॉब्लम आई है हमारे पास कि वो एक ही दफा पूछ रहा है, पलट के दोबारा नहीं पूछ रहा। एक तो ये प्रॉब्लम है, ये मैं देख लूंगा कि ये किस वजह से आ रहा है, अगली क्लास में उसको हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। अच्छा अब कस्टम जो स्लॉट टाइप बनेगी ना आपकी,
उसके लिए आपको जाना पड़ेगा दूसरी जगह पर। हाँ यार रिकॉर्ड तो हो रहा है लेकिन मैं शेयर नहीं करूंगा रिकॉर्डिंग, अभी तवज्जो से सुनो बैठ के। हाँ अच्छा इसको यहीं तक रहने दे, ये कहना चाह रहे हो। अच्छा चलो यहीं तक रहने देते हैं। तो फिर टास्क क्या दें, टास्क भी तो बताओ कुछ। एक काम करते हैं ना, आसान काम करते हैं, वेदर की ऐप बना के लाओ जिसमें एक ही इंटेंट होगा, आप उससे पूछेंगे लॉन्च इंटेंट में ही काम करना है। नहीं लॉन्च इंटेंट में तो लेकिन स्लॉट नहीं ले सकते, स्लॉट नहीं ले सकते, लॉन्च इंटेंट में नहीं हो सकता। बंदा कहे कि अलेक्सा ओपन वेदर ऐप, वेदर ऐप आपका नाम हो जाएगा, या जो भी आपका नाम अपने नाम के साथ रख लें, जैसे मलिक वेदर ऐप उस तरह करके जो वो नाम लिखा आपने, सामने से आपको अलेक्सा बोलेगा कि वेलकम टू द वेदर ऐप, और आप ये भी जान सकते हैं वो भी जान सकते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि टेल मी वेदर ऑफ कराची, ठीक है। कराची के लिए आप इंटेंट कौन सा इस्तेमाल करेंगे, देखो नंबर है ना यहाँ पे, वो भी आ रहा होगा, एक सिटी नेम भी आ रहा होगा, एक नया यहाँ पे नीचे जाता हूँ मैं, ठीक है। एक तो पहले से क्या बकवास है, एक तो पहले से बना हुआ है, मैंने कहा कि सिटी नेम, इसमें स्पेस नहीं डाल सकते आप, सिटी नेम, और आपने कहा प्लस, और इसकी टाइप में ना देखो यहाँ पे सिटी करके आ रहा है, देखो एक तो एटी सिटी है, डीई सिटी यूरोप सिटी, ठीक है, जीबी सिटी का मतलब है कि जर्मन के सिटी, यूएस सिटी सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स का सिटी पकड़ेगा, बाकी नहीं पकड़ेगा, और जो सिर्फ सिटी है ना वो इन जनरल है, पूरी दुनिया के सिटीज में पकड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे डीई है ना, ये सिर्फ डेनमार्क के सिटी पकड़ेगा, कहीं और के नहीं पकड़ेगा। तो ये सिटी हमने जनरल वाला पकड़ा, अब दुनिया के किसी भी सिटी का आप नाम लेंगे ना, वो उसको इस स्लॉट में मिलेगा, वो स्लॉट जाहिर है कहां पे जाएगी आपके पास, कोड में आपको मिलेगा वो स्लॉट, उस स्लॉट के जरिए ओपन वेदर से ना वहां का वेदर लाके और उसको बोल के बताएं। बोल के कैसे बताएंगे भाई, के टुडे इन और सिटी का नाम, टुडे इन कराची इट्स 70 degrees एंड क्लियर, ठीक है। इस तरह से बोल के उसको आपको, क्योंकि वहां से तो जेसन आता है, उसको सेंटेंस में कन्वर्ट कैसे करेंगे आप, बैकटिक लगाएंगे बीच में, टेम्पलेट टेम्पलेट करके आप वैल्यू एंटर करते हैं। आसान है, मुश्किल तो नहीं है कोई, डेटा फेच उसी तरह एक्सियोस लगाएंगे आप, एक्सियोस ऊपर रिक्वायर कर लेंगे आप, और उससे आप करते रहेंगे। डाउनलोड इसमें बता देता हूँ कैसे करेंगे, देखें ये पैकेज डॉट जेसन है, पैकेज डॉट जेसन की फाइल में ये डिपेंडेंसीज है ना, जो बस इस डिपेंडेंसी में लाके उसका नाम लिख दो, खुद ही इंस्टॉल हो एक्सियोस और उसका वर्जन, पहले अलग से इंस्टॉल कर देखना अभी लेटेस्ट वर्जन क्या है, पता चल जाएगा, वो लाके ना यहाँ पे एज इट इज लिख देना, कमांड वमांड नहीं, ये क्योंकि चलता यहाँ पे नहीं है, चलता ये डायरेक्ट क्लाउड पे जाके चलता है, यहाँ पे लिख दोगे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर करके जिस तरह से चलाते हो उस तरह से सेम चलता रहेगा। अच्छा अगर आपको कंसोल के लॉग्स देखने हैं तो आपको यहाँ पे कंसोल के लॉग भी नीचे ये दिखा रहा होता है, ठीक है, ये वो डिवाइस के लॉग्स हैं जहां पे आपको ना ये लॉग्स दिखा रहा होगा, जो मैंने कंसोल डॉट लॉग किया हुआ है वो मुझे इस जगह पे कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा, देख लेते हैं जरा कहां नजर आ रहा है। नहीं ये उससे आसान है, यार कंसोल डॉट लॉग नहीं दिखा रहा ये, अच्छा कंसोल डॉट लॉग जो मैंने लगाया ना वो देखने के लिए मुझे उसके वहां पे जाना पड़ेगा, जो इनके लैम्डा फंक्शंस है ना अमेज़न के, उसके कंसोल पे मुझे जाना पड़ेगा, AWS, ये बल्कि शायद यहाँ पे शॉर्टकट भी इन्होंने कहीं दिया होगा लॉग्स देखने का, ये रहा क्लाउड वॉच लॉग्स, ठीक है, ये यहाँ पे इसके लॉग्स आप देख सकते हैं, ये टेस्टिंग वाले कंसोल पे ना कंसोल डॉट लॉग नहीं दिखा रहा, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ये क्लाउड वॉच है ना जो, इसमें आपको जाना पड़ेगा, ये मैंने क्लिक किया और मैं ले गया मुझे ये क्लाउड वॉच पर,
तो यहाँ पे मुझे वो कंसोल भी दिखाता रहेगा जस्ट इन केस अगर इंस्टॉलेशन में कोई इशू होता है, कुछ भी होता है, आपके कोड में कोई एरर आता है, तो यहाँ क्लाउड वॉच में जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये लॉग स्ट्रीम है, इस लॉग स्ट्रीम को थोड़ा समझ लें किस तरह से होता है ये। मिसाल के तौर पे आपने थोड़ी देर तक ऐप को इस्तेमाल नहीं किया ना अगर, और आप दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो एक नई स्ट्रीम बनाता है फिर वो। तो आप क्या करेंगे, जिसमें सबसे लेटेस्ट टाइम आ रहा होगा, यहाँ पे आप देखें लॉग स्ट्रीम में टाइम लिखा हुआ है साथ में, तो सबसे लेटेस्ट टाइम किसमें आ रहा है इन तीनों में से, 23/9, 22/9, 19/9, तो ये 23/9 वाला सबसे लेटेस्ट है, इसके अंदर में एंटर हो जाऊंगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो यहाँ कोड में था, मैं यहाँ पे कोड में लिखा हुआ है क्लाउड वॉच लॉग्स, ठीक है, ये जगह पे ये लॉग्स देखने का तरीका है, AWS लैम्डा फंक्शन के लॉग्स देखने का। इसमें मैंने क्लिक किया तो मुझे ये कहाँ लेके चला गया, मुझे ये इस जगह पे ले आया। दोबारा क्लिक करके चला जाता हूँ, मैंने कहा डिफॉल्ट, अब देखो ये ना मुझे लॉग स्ट्रीम्स में तीन लॉग्स दिखा रहा है, तीन स्ट्रीम दिखा रहा है, जो सबसे लेटेस्ट वाला है ना उसमें सबसे लेटेस्ट लॉग्स होंगे, सबसे टॉप वाला सबसे लेटेस्ट है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है क्या 23/9 लिखा हुआ है टाइम के अंदर। मैं इसके अंदर क्लिक करके चला गया तो यहाँ पे मुझे मेरे लॉग्स दिखने चाहिए। अच्छा इसमें भी देखें ऊपर से नीचे की तरफ लॉग्स आ रहे हैं, तो लेटेस्ट कौन सा वाला है, सबसे लास्ट वाला या सबसे टॉप वाला, टाइम देख सकते हैं बिल्कुल, जैसे सबसे टॉप वाले भेजेगा 9/9, फिर उसके नीचे है 10/37, फिर 10/37, फिर 13/3, 13/3, तो मेरा ख्याल है सबसे जो बॉटम वाला है वो सबसे लेटेस्ट है, सही है, तो मैं सबसे बॉटम वाले में, अच्छा इसमें नोट कीजिए आप स्टार्ट और एंड भी बता रहा है आपको ये, ठीक है, ये एंड है, जो रिक्वेस्ट एक आई थी उसका यहाँ पे एंड हो चुका है, ठीक है, अगली रिक्वेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हुई है, जो मैंने आखिरी रिक्वेस्ट भेजी थी वो 23:13 पे स्टार्ट हुई है वो रिक्वेस्ट, तो इसको मैंने खोला, सही है, ये स्टार्ट हो गई, उसके बाद खोला ये वाला, यहाँ पे मेरे पास क्या है रुपीज कंसोल डॉट लॉग पे शो हो रहा है, इसी तरह किया था ना स्लॉट्स और स्लॉट्स करके उसको मैंने कंसोल करवा दिया था, तो ये कंसोल शो हो गया। उसके बाद एक और कंसोल है जिसमें रुपीज 1000 शो हो रहा है, फिर उसके बाद एंड है, देख रहे हैं आप एंड हो गया यहाँ पे, और एंड पे ये कुछ उसकी आईडी वाईडी दिखा रहा है, रिक्वेस्ट की गई एंड है, उसके बाद एक रिपोर्ट आ रहा है, इसने कोई रिपोर्ट आईडी बताई है कि भाई रिक्वेस्ट आईडी की ये रिपोर्ट है। अच्छा रिपोर्ट क्या है कि मैक्सिमम मेमोरी इसने 61 MB यूज की है, इस दफा जो ये चला था उसका ड्यूरेशन था 23 मिली सेकंड और बिल्ड ड्यूरेशन जो था वो 24 मिली सेकंड, और मेमोरी साइज जो आपका था वो 512 MB था, जिस मशीन में इस कोड को रन किया गया वो 512 MB की मशीन थी, और उसमें से यूटिलाइज हुआ 61 MB, इससे ज्यादा आपके कोड ने यूटिलाइज नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके इसका इस तरह से लॉग्स देख सकते हैं, इसका नाम है क्लाउड वॉच लॉग्स, ठीक है, आप सर्च भी कर सकते हैं अगर आपको टाइम पता है कि किस टाइम पे लॉग्स आए थे, या आपको ये पता है कि मैंने स्लॉट लिख के कंसोल कराया था, तो आप स्लॉट लिख के यहाँ पे करेंगे ना तो फिल्टर होकर वही वाला आ जाएगा, स्लॉट लिखा मैंने और स्लॉट लिख के मैंने एंटर मारा, तो आप नोट कीजिए जिस लॉग में स्लॉट लिखा हुआ था ना मेरे पास सिर्फ वही लॉग आ गया, बाकी सारे गायब हो गए। काफी ये यूजफुल चीज है इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे फिल्टर डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है, आज के लिए ज्यादा तो नहीं हुआ, लॉग्स देखना मैंने इसलिए बता दिए कि आप कंसोल लॉग कराएंगे तो कम से कम पता तो चले आपको। अच्छा शुरू में हम AWS लैम्डा पढ़ रहे हैं, हम इसको कंटिन्यू लेकिन एक्सप्रेस पे मूव कर जाएंगे हम थोड़े दिनों में, उसका रीजन ये है कि इनका इकोसिस्टम बिल्कुल अलग है, फिर आपको AWS भी सीखना पड़ेगा, चीजें सिंपल नहीं रहेंगी उस तरह से, ठीक है, आप नोट कर रहे होंगे कि इन इसको सिर्फ हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, ऑन अदर एंड जो इंटरेक्शन मॉडल है मेरा, जो इंटेंट और एंट्रेंसेस बन रहे हैं वो इतने मुश्किल नहीं है, ये थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं फिर हम एक्सप्रेस पे मूव कर जाएंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में या शायद उससे अगली से अगली में, हम अगले एक हफ्ते से ज्यादा इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम फिर उस पर मूव कर देंगे, ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वेदर ऐप बनाकर लाएंगे जो ओपन वेदर API से लाइव वेदर मुझे उस सिटी का बताए जो यूजर ने बोला है, ठीक है जी, चलो।